और आइए नया बात करते हैं कश्मीर की, जहां एक तरफ अनंतनाग में एक जवान शहीद हो गया, लेकिन कांग्रेस को अब आजादी का राग सूझ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में आजादी की वकालत की है। उन्होंने अपने बयान को निजी करार दिया है। आज तक के सख्त सवालों से सोज इतने तिलमिला गए कि इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। और यही वो तस्वीरें हैं जब वो इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि कश्मीर आजादी चाहता है, हुर्रियत से बात हो, मुशर्रफ के फॉर्मूले पर बात हो। जब मैंने उनसे ये तीखा सवाल पूछा कि बात किससे हो, क्या आतंकवादियों से बात होगी, तो ऐसा तिलमिलाए कि इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं अपनी जात में कह रहा हूँ, इसलिए आप और आप पहले शुरू से ही मुझको गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुशर्रफ ने भी अपने मुल्क को बताया उस वक्त कि कश्मीरी लोग जो है वो आज़ादी चाहते हैं, वो मगर आज़ादी नामुमकिन है। इसलिए एक ऐसा समझौता होना चाहिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, जिसमें दाखिली आज़ादी मिलेगी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद नहीं बदलेगी और लोगों को राहत हो जाएगी। आज के दिन मैं आपको कहता हूँ, अपनी जाती ख्यालात है, मेरे किताब में भी कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, फौज कशी से कश्मीर नहीं रह सकता, इसमें कोई आपको कामयाबी नहीं होगी। चाहे आज मानो या कल मानो, आपको ये मानना पड़ेगा। दिमागों में जो परेशानी है कश्मीर के नौजवानों में, कश्मीर की लीडरशिप में, उस तक पहुंचा जाए और पॉलिटिकल डायलॉग हो जो विग्रस हो, थोड़ी सी सियासी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए। और मैं ये जब आप ये कहते हैं कि कश्मीरी आजादी चाहते हैं, जब आप ये कहते हैं कश्मीरी आजादी चाहते हैं, इस आजादी का क्या मतलब है? आजादी का मतलब ये है, ये उनकी फर्स्ट चॉइस तब भी थी, अब भी है, लेकिन नामुमकिन है। कश्मीर के इर्द गिर्द 5 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और रशिया। इनमें आपको मालूम नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों का क्या हाल है? पहले पाकिस्तान, आप उनका उदाहरण दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। आप क्या बात करते हैं, मुल्क तो है ना पाकिस्तान, उसका नाम नहीं ले सकते। नहीं, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क है, हिंदुस्तान है, चाइना है, रशिया है, 5 बड़े ममालिक हमारे इर्द गिर्द है। इनमें से कोई हमारी आज़ादी को तस्लीम नहीं करेगा, यही हमारी तारीख है। इसलिए दिमागों में राहत पाने की पहुँचाने के लिए, नौजवानों का जो दिल परेशानी है उसको समझने के लिए एक पावरफुल सियासी डायलॉग खोला जाए। सुनो, ये प्रोपेगेंडा, ये आपका प्रोपेगेंडा आपको थोड़ी राहत दे देगी मोदी जी के निज़ाम में, मगर आपको सच्चे हिंदुस्तानी से बात करनी चाहिए मेरे साथ। आप वो नहीं कर रहे हैं, क्लोज कीजिए इस इंटरव्यू को। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। बातचीत किससे होगी? बातचीत की आप चाहते हैं हुर्रियत से बात हो? आप ही चाहते हैं हुर्रियत से बात हो? उनके साथ कश्मीर, हाँ यस, क्यों नहीं, हुर्रियत यहाँ तर्जमान है कश्मीर के, जो लोग नाराज हैं। सर, बेहद हैरानी होती है देखकर कि आप इंटरव्यू के बीच में उठकर जा रहे हैं, क्योंकि आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए गए जिनके आपके पास सीधे जवाब नहीं है। ये सबसे आसान तरीका होता है जहां पर आप बातचीत से उठकर चले जाएं, जब ये कहा जाए कि आप बातचीत किससे चाहते हैं। कुत्ते 10-15 दिखाए गए हैं, ऊपर से गोश्त की रान टपक लटक रही है। इस बीच हमारे पास जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। ये मुठभेड़ जारी थी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, हालांकि सेना का एक जवान इसमें शहीद हुआ है, लेकिन इन तीनों आतंकवादियों को अब मार गिराया गया है। तीसरे आतंकवादी की खोज पिछले कुछ समय से हो रही थी, लेकिन आखिरकार इसे भी मार गिराने में सेना कामयाब रही। अनंतनाग का यह इलाका जहां पर तीनों आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। सीज फायर खत्म होने के बाद यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है जो घाटी में हुआ है, जिसमें 3 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया सेना ने। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर तीनों आतंकी ढेर हो गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये चलाया जा रहा है अभियान, और हमने देखा है पिछले कई दिनों में, लगभग 3 से 4 दिनों में, कई आतंकवादी ऐसे हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है सेना की ओर से। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग इलाका
और बीजेपी जम्मू कश्मीर के क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर। रात को इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, वहाँ तीन चार टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर थी और उसमें अभी तक तीन बॉट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार 5 मिनट 25 खबरें, साथ ही कुछ और खबरें, ब्रेक के उस पार देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।